अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, लाखन सिंह, अशोक गहलोत, अब मान सम्मान का कर लेते हैं साफ। आप करौली की धरती पर आपका स्वागत है, आप राजस्थान के गांधी नगरी पूरे देश से गांधी है और आपका करौली में स्वागत है, मान सम्मान सब आपका है। लाखन जी बोलेंगे आपके सामने, साहब को जल्दी कृपा करके बैठ जाए, हाथ जोड़ने की प्रार्थना है, बैठे बैठे बैठ जाए। आज आपके बीच में मदन मोहन जी की इस पावन धरा पर, केला मैया की इस पावन धरा पर, हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी आपके बीच में आए हैं। हम आपकी तरफ से, पूरी जनता की तरफ से करौली की इस धरती पे आपका स्वागत करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इन 5 सालों के बीच में जो करौली में विकास कराया है, जो 50 साल में पहले विकास नहीं हुआ वो आपके बीच में, चाहे शिक्षा के रूप में स्कूल कॉलेज हो, चाहे चिकित्सा के रूप में कॉलेज पीएससी सीएससी हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाया गया है, पंचायत समितियां बनाई गई हैं, तो जो विशेषकर आपके यहाँ विकास हुए हैं और यहाँ जो गरीब जनता की सोचने वाले आदरणीय अशोक गहलोत जी, जो 10 गारंटी योजना आपके बीच में राहत कैंप के रूप में आपको दी गई है और इसी तरह से 7 गारंटी योजना जब सरकार बनने के बाद में आप लोगों को दी जाएगी। और मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय अशोक गहलोत जी से कि करौली की इस धरती पर दोबारा से कांग्रेस सरकार बनकर आएगी, 4 सीट जीत कर आएंगी, ये मैं कहना चाहूंगा। मंच पर विराजे यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष और अनीता जी भी हैं, मैं हमारी कुछ मांगे हैं वो मैं आदरणीय अशोक गहलोत जी को बताना चाहूंगा कि चम्मल पाटना जगर बांध लिफ्ट परियोजना, चम्मल का पानी पाटना बांध में पहुंचाकर पाटना से आगरी, आगरी से जगर बांध और नदी में भी छोड़ने का और नहरों में भी छोड़ने के लिए, इसके लिए अशोक गहलोत जी ने डीपीआर बजट में बना दी गई है और 20 लाख रुपए इसके लिए बजट में दे दिए गए हैं। मंडराल रोड पर हमारा एक हॉस्पिटल बन गया है और जो मेडिकल कॉलेज है, हमारी एक करौली की मांग है कि जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है वो सैटेलाइट हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाए और करौली में जो घनी आबादी में होकर जो रोड जाता है, इसके लिए मैं भी मांग करता हूं कि जो हमारा बाईपास करौली का है वो निकाल दिया जाए, ऐसी हमें आशा आदरणीय अशोक गहलोत जी से है। और हमारी ये 2-3 ही जो इसकी समस्या है वो रह गई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि साहब को जल्दी है, इसलिए मैं आप लोगों से 2 नारे लगाऊंगा, मदन मोहन जी की जय, केला मैया की जय, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जय कांग्रेस, जय। सम्माननीय गहलोत साहब पधार रहे हैं, गहलोत साहब हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार लाखन मीणा जी,
नागेंद्र जी, शिवराज मीणा जी जिला अध्यक्ष, कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर से बहन अनिता जाटव, हाजी साहब अहमद साहब, अहमुद्दीन खान साहब, सुनील सैनी जी उपसभापति, कन्हैयालाल शर्मा जी, कमलराज जी कसारा, प्रभाव चौधरी जी, रमेश प्रजापत जी, प्रेमजी जी माली, हुकम भाई मीणा, राम गोपाल जी माली, लजाराम जी वर्मा, राम विलास जी जाटव, कई हमारे नेता बैठे हुए भाई और बैठो नौजवान साथियों, मैं माफी चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर आते हैं तकलीफ होती है, क्योंकि टाइमिंग होती है और टाइमिंग होना जरूरी होता है। खड़गे साहब आज आए थे, देरी हो गई मीटिंग के अंदर, मैं आप लोग उसके बावजूद भी जो आप में उत्साह है, प्यार है, मोहब्बत है और विश्वास है हम सबके प्रति, इस कारण से आप लोग यहाँ देर से बैठे हुए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लखन साहब मीणा जी ने कोई कमी नहीं रखी काम करने के अंदर, 5 साल पहले आपके आशीर्वाद से मैं 3री बार मुख्यमंत्री बना, आपने महसूस किया होगा